चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक भी आती रहे। तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है किन पांच चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर अपडेट करना चाहिए। अब दिन का हमें 1 या 1.5 GB इंटरनेट ही मिलता है जिसमें दुनिया तो नहीं जीती जा सकती, पर इन्हें अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर सभी सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर आप लोग विंडो, मैक या फिर लिनक्स जो भी इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सभी को रन करता है। अगर विंडोज़ ही नहीं होगा तो आप आफ्टर इफेक्ट, इलस्ट्रेटर, एडोब ये कैसे चला पाएंगे? हाँ भाई, VFX वालों, ऐसा नहीं है सिर्फ VFX के लिए बल्कि सभी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही चलते हैं। अगर यही नहीं होगा तो इंटरनेट कैसे सर्व करोगे? सबसे पहले इसे अपडेटेड करो। ज़्यादातर लोग पायरेटेड विंडो ही इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी और अन्य देशों में भी विंडो तो फ्री है, बट उसे हमेशा अपडेटेड रखो। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करो जिसमें रेगुलर अपडेट आते हों, ताकि आपके लूप होल और वल्नरेबिलिटीज़ जो पैच होती रहती हैं वो सिस्टम सिक्योर करें। अगर आप कंप्यूटर अपडेट नहीं करते हो तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, फिर तुमसे वो बिटकॉइन मांगेंगे, वरना तुम्हारी पिक्स डाटा जो भी हैकर के पास है वो लीक कर देगा। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको अपडेटेड करनी चाहिए वो है ब्राउज़र, जिसके अंदर क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और भी बहुत आते हैं। इसी से इंटरनेट यूट्यूब चलता है और आप हमें देख पाते हो। अगर ब्राउज़र अपडेट नहीं होगा तो क्या स्क्रिप्ट चल रही है कुछ पता नहीं होगा। वायरस आने के खतरा सबसे ज़्यादा ब्राउज़र से ही होता है। क्रोम वैसे तो वन ऑफ द सेफेस्ट ऐप है, पर इसे अपडेट करने से स्क्रिप्ट क्या चल रही है, कोई परेशानी है या नहीं, मेलोनियस चीज़ों से ब्राउज़र आपको बचा नहीं पाया। अगर कोई साइट सिक्योर नहीं है, कोई वेबसाइट जो भी आप चला रहे हैं सिक्योर नहीं है, तो क्रोम आपको तभी बता देता है। अगर उसे अपडेट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगली जो चीज़ है जो आपको अपडेटेड रखनी चाहिए वो है ऑफिस के सॉफ्टवेयर। ज़रूरी नहीं है सभी कंप्यूटर बस मौज के लिए ही रखते हैं, कुछ काम के लिए भी रखते हैं। अब ये मत बोलना कि काम भी होता है इससे। अगर ये अपडेट नहीं होगी तो आप लोग अलग अलग जगह से जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके देखते हैं, PPT और वर्ड फाइल्स जो आपके पास आती है जो भी भेजता है, बिन अपडेटेड ऑफिस सॉफ्टवेयर में फाइल के साथ वायरस भी आ सकता है। इसके लूप होल की सहायता से बहुत बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को आपको झेलना पड़ सकता है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर सकता है इससे। इसलिए अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखो। जिसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रही हैं उसे अपडेटेड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाली ऐप्स, जैसे किसी बैंक की ऐप या Paytm, भीम, UPI, गूगल पे वगैरह, इन्हें अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो पैसे की बात हो गई यार, 20 या 30 MB के लिए अपने हजारों लाखों रुपयों को क्यों संकट में डाल रहे हो? वैसे भी बिन अपडेट किए ये चलती भी नहीं है, या ट्रांजेक्शन में एरर दिखा देती है या आप अपने बैलेंस चेक कर रहे हो वहाँ पर एरर दिखाती हैं। कभी पैसे भेजते हो तभी ऐसा इग्नोर करेंगी जैसे आपने इसको अपडेट के टाइम पे किया था। पैसों से संबंधित जो भी ऐप्स हैं उन्हें हमेशा अपडेटेड रखो ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो तुम्हारा साथ दे, ना कि एरर दिखा के बोले कि ए बाबा पहले अपडेट तो कर रहे। अगली चीज़ है जो वो है बॉडीगार्ड की तरह है किसी भी कंप्यूटर के लिए, आप समझ ही गए होंगे, एंटीवायरस, जिसे अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐप्स ठीक से तभी काम करती हैं जब इनके डाटाबेस में अपडेटेड वायरस डेफिनेशन स्टोर हो। उसको ये पता चलता है कि आज की डेट में कौन सा नया वायरस आया है, नहीं तो उसे यही पता रहेगा कि 10 साल पहले, 5 साल पहले या 1 या 2 साल पहले जो भी पुराने वायरसेस हैं वो
क्या काम करते हैं, कैसे हमारे कंप्यूटर को ख़राब करते हैं। इसलिए एंटीवायरस को अपडेट करो ताकि डाटाबेस में नए वायरसेस की इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो सके और ये उनको किल कर सके। अगर अपडेट नहीं करते तो उसे डिलीट ही कर दो। फालतू में क्यों रैम बढ़ा रहे हो, क्यों बैकग्राउंड में उसे चलने दे रहे हो? इससे कंप्यूटर भी फास्ट होगा, आप गेम भी खेल सकोगे और मौज मस्ती जो करना है वो करोगे। अगर एंटीवायरस रखो तो अपडेटेड रखो। तो यही सही सभी चीज़ें थी, पांच चीज़ें जिन्हें अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सभी को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को पता लगे और उनके